दोस्तों जब OnePlus Nord 3 जो है ये जब लॉन्च हुआ था तो मैंने कहा था कि OnePlus has gone all out with this Nord और उसकी वजह से थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो गया था क्योंकि जनरली Nord फोन्स जो होते हैं वो बजट सीरीज के होते हैं, Nord 3 में बिल्कुल भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। लेकिन ये जो वीडियो होने वाला है स्पेसिफिकली मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करने वाला हूँ क्योंकि OnePlus ने बताया था कि ये जो है मल्टीटास्किंग के लिए जबरदस्त फोन है, परफॉर्मेंस जबरदस्त है इसका। डायमेंसिटी 9000 प्रोसेसर है दोस्तों, ऑब्वियसली पेपर पे मिलियन के ऊपर अंतर उसको आता है, वो सब चीजें ठीक है, बट वी एक्चुअली वॉन्टेड टू टेस्ट उनके जो क्लेम्स है कि आप 40-45 एप्स भी बैकग्राउंड में अगर रन करोगे तो वो बंद नहीं होंगे, फिर भी आपका फोन वगैरह जो है बहुत स्मूथ चलेगा। तो हमने पिछले 15 दिन से हमने इसे इस्तेमाल किया और जो भी हमें इसके परफॉर्मेंस के बारे में लगा वो मैं बताने वाला हूँ। बाकी की भी 2-3 चीजें जो हमने नोटिस की उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो बेसिकली यू विल अंडरस्टैंड अगर आपको OnePlus Nord 3 लेना है, क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए। अब दोस्तों परफॉर्मेंस आइसोलेशन में नहीं देख सकते, इसका जो डिस्प्ले है जबरदस्त है क्योंकि जब आप गेमिंग कर रहे हो परफॉर्मेंस कितना भी अच्छा होने दीजिए, डिस्प्ले जो है वो भी अच्छा होना चाहिए। एंड हियर OnePlus Nord 3 स्टैंड्स आउट, मतलब एज टू एज डिस्प्ले है, बहुत ही पतले बेजल्स है एंड फ्लैट डिस्प्ले होने की वजह से अगर आप एक गेमिंग फोन के जैसे इसके पास देखोगे आई विल से दिस इज अ रियली गुड वन। चलिए बात करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में। हमने लिटरली 2-2, 2.5 घंटे तक कंटिन्यूअसली गेम्स खेले, हाईएस्ट FPS सेटिंग रखा एंड लोएस्ट ग्राफिक्स रखे हमने, तो कंटिन्यूअसली हमें 52-55 FPS मिल रहा था। कोई भी गेम खेलिए आपको ये मिलता है, सो दैट इज देयर। हाँ अगर आप HDR ग्राफिक्स करते हो तो आप थोड़ी देर खेलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन लॉन्गर सेशंस करोगे तो फोन जो है स्लाइटली गर्म हो जाएगा। थर्मल्स के मामले में हाँ वो हीटअप होता है अगर आप लॉन्गर सेशंस खेलते हो हाईएस्ट सेटिंग पे तो। और याद रखिए दोस्तों आई थिंक दिस इज दी ओनली फोन जो 40,000 के नीचे आपको 16GB रैम देता है। मल्टीटास्किंग के लिए आपको पता है रैम कितनी इंपॉर्टेंट होती है, इसमें 16GB का वेरिएंट आता है। स्पेशली इफ यू टेक दैट वेरिएंट, ओ माय गॉड, यू आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ द वर्ल्ड परफॉर्मेंस। और आर रैम टाइप भी LPDDR5X लेटेस्ट रैम टाइप है, तो इनके जो रीड राइट स्पीड्स भी होते हैं वो भी बहुत हाई है एंड 16GB रैम है। एंड उनका जो इसकी वजह से उन्होंने जो क्लेम किया है 40-45 ऐप वो रहते हैं, इनफैक्ट दिन भर हमने रखे एंड नियरली 95% ऐप जो है दोस्तों वो पीछे बैकग्राउंड में चलते रहे विदाउट एनी इश्यूज। सुबह ओपन किए थे और शाम तक जब हमने टेस्ट किए सभी चल रहे थे। एक दो जो गेम्स हैवी गेम्स होते हैं फॉर एग्जांपल BGMI वगैरह जो ज्यादा डेटा वगैरह लेते हैं हाँ वो रिस्टार्ट हुए, बट अदर देन दैट जो रेगुलर एप्स होते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर वगैरह ये सब जो एप्स होते हैं वो सब बराबर से वैसे ही ओपन रहे, सो दैट वे इट इज ऑप्टिमाइज्ड। इधर मैं गेमिंग के बारे में और परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहा हूं तो स्पेसिफिकली आई वांट टू टॉक अबाउट हैप्टिक्स। जो ओ हैप्टिक्स आता है इसके अंदर दैट इज डेफिनेटली, मतलब आपको पता चलता है कि इट इज वेरी रिफाइंड एंड वेरी गुड, सो हैप्टिक्स अच्छे हैं इसके अंदर। और याद रखिए दोस्तों बाकी सब जो इस प्राइस रेंज में आते हैं अगर आप लोअर वेरिएंट लीजिए या ऊपर वाला भी वेरिएंट लीजिए 40,000 के नीचे आते हैं, यही फोन है जिसमें 1.5K आपको रेजोल्यूशन मिलता है, जनरली सब FHD है, वरना अगर 2K वगैरह चाहिए तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू गो बियॉन्ड 40-50,000 रुपीज, बट ये 1.5K रेजोल्यूशन होने की वजह से जो कलर्स एंड उसका जो सैचुरेशन वगैरह है सही में बहुत अच्छा दिखता है। डिस्प्ले नो डाउट आई विल से इन दिस सेगमेंट वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्लेज ऑन अ फोन आउट देयर। फ्लैट डिस्प्ले होने की वजह से उसका डेफिनेटली गेमर्स को फायदा मिलता है, वो एक्सीडेंटल टचेस जो होते हैं कर्व डिस्प्ले की वजह से, हाँ कर्व डिस्प्ले आपको थोड़ा प्रीमियम दिखता है बट प्रैक्टिकली गेमिंग अगर आप करने जाओ तो फ्लैट डिस्प्ले इज मच बेटर एंड दैट इज व्हाट Nord 3 हैज। अब दोस्तों गेमिंग के बारे में बात करना है तो मुझे इंपॉर्टेंटली इसके बैटरी के बारे में बात करनी है। अगर हमने देखा स्टार्ट में थोड़ा कम SOT दे रहा था लेकिन धीरे धीरे इट हैज इंक्रीज, अब नियरली 5-5.5 घंटे हमें स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता है। बट एक बात कहूं, इवन इफ इट इज नॉट द बेस्ट आउट देयर, हां देयर आर जिसमें 6-6.5 भी मिलता है, 5-5.5 घंटे SOT इज आई विल से द एवरेज आउट देयर, बट बैटरी चार्जिंग जो है दोस्तों दैट इज वेरी गुड, 80 वॉट चार्जिंग आती है इसके अंदर और आपकी बैटरी 30 मिनट के अंदर डेफिनेटली चार्ज हो जाती है, मतलब अबाउट 31-32 मिनट्स में। सो इवन इफ बाय इवनिंग आपने बहुत सारी चीजें की है और अगर बैटरी डाउन हो गई 15-20-25 मिनट रखिए, आराम से आपका फोन जो है 70-80% तक चल जाएगा एंड देन यू शुड बी गुड एनफ। वैसे दोस्तों इसका अगर हमारा अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखा तो जरूर जाके देखिएगा, उसमें मैंने सब चीजें बात की हुई है कनेक्टिविटी के बारे में। मल्टीमीडिया अगेन जो मैंने उस अनबॉक्सिंग वीडियो में कहा था दैट स्टेज ट्रू, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ऑडियो, एक तो 1.5K स्क्रीन है एंड यू हैव वाइड वाइन L1, तो नेटफ्लिक्स वगैरह जब आप देखते हो लॉन्गर सेशंस आप करोगे नो प्रॉब्लम्स, यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। जो मैंने फर्स्ट इंप्रेशन में कहा था इट स्टेज इन माय रिव्यू एज वेल,
ब्यूटीफुल मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस। ऑलराइट, कैमरा के बारे में बात करते हैं। एंड एक बात कहूं, वो चाइनीज जो वेरिएंट था उनमें ओमनीविजन के सेंसर थे, इसमें IMX 890 आ गए और 11R पे जो कैमरा सेटअप है एग्जैक्टली वही है। हाँ, पोस्ट प्रोसेसिंग के मामले में थोड़ा डिफरेंस है, बट एक चीज हमने कैमरा में डेफिनेटली स्टैंड आउट देखी और वो है इसका सेल्फी कैमरा। अगर आप बहुत ज्यादा सेल्फी लेते हो दोस्तों, आई मीन दिस इज अ वेरी, वो ट्यून बहुत अच्छा हुआ है, जो स्किन टोन वगैरह जो आते हैं, जो डायनेमिक रेंज वगैरह है, जो क्लैरिटी है, शार्पनेस वगैरह है। मैं फोटोज दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर एंड जी ड्राइव की लिंक भी दी हुई है जहां पे ओरिजिनल क्वालिटी में हमने फोटोज लिए हुए। अगर मैं स्टैंड आउट कहूं तो डेफिनेटली इसका सेल्फी कैमरा है। पोर्ट्रेट्स जबरदस्त आते हैं इसके, सो अगेन पोर्ट्रेट्स आप बहुत ज्यादा निकालते हो, दिस कैमरा इज वेरी गुड। एंड यस, 4K 60fps आप वीडियो शूट भी कर पाओगे एंड दैट ऑल्सो कम्स आउट क्वाइट गुड। इवन लो लाइट परफॉर्मेंस, एंड स्पेशली देखिए ये नॉर्ड फोन है, इट इज नॉट उनका फ्लैगशिप लेवल का फोन, उस हिसाब से अगर मैं कहूं इवन लो लाइट परफॉर्मेंस इज वेरी गुड, क्योंकि OIS वगैरह आता है, ज्यादा शेक नहीं होता है, कम लाइट भी होगा तो भी अच्छे फोटोज आते हैं। जी हाँ, ये एक परफॉर्मेंस बेस्ड रिव्यू है, लेकिन आप रिव्यू देख रहे हो तो परफॉर्मेंस के साथ में बाकी की चीजें भी मुझे बोलनी है, इसीलिए परफॉर्मेंस तो है ही दोस्तों, बट हाँ कैमरा भी जबरदस्त इंप्रूवमेंट है। और वही ड्यूरेबिलिटी के लिए गोरिल्ला ग्लास 5 का स्क्रीन प्रोटेक्शन आता है, सो दैट इज गुड। IP54 है, तो ये जो रेनी सीजन में अगर आप इस्तेमाल करोगे तो डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट है, सो दैट इज ऑल देयर। एक चीज अभी अच्छी हो गई है दोस्तों, सभी ब्रांड्स, बहुत सारे ब्रांड्स, सभी नहीं कहूंगा, बहुत सारे ब्रांड्स अब इवन हायर रेंज में IR ब्लास्टर ला रहे हैं एंड इसमें भी IR ब्लास्टर आपको मिलता है, so you can use it as a remote, so that is nice, that is a very nifty feature to have। Connectivity के बारे में बात करूँ, network में हमारा primary sim था दोस्तों, absolutely no problems, सब 5G band का support है, सब you know connectivity options absolutely working well। चलिए OS के बारे में बात करते हैं, Oxygen OS 13 which is based on Android 13। एक चीज अच्छी है दोस्तों, even OnePlus has said कि उनके phones के ऊपर 3 साल के updates, major updates and 4 साल के security updates मिलने वाले। At the same time I have to say दोस्तों कि इसमें भी third party apps वगैरह आते हैं जो आप अनइंस्टॉल कर पाओगे, दे आर देयर, बट अपडेट्स के मामले में अगर मैं बग्स के मामले में कहूं तो मुझे कोई इशू नहीं है, वी डिड नॉट कम अक्रॉस एनी बग्स या फिर कुछ इशू हुआ है, हैंग हुआ है बीच में, ऐसे कुछ हमने नहीं देखा। तो ओवरऑल दोस्तों 15 दिन जो हमने यूज किया, आई थिंक इट इज अ ग्रेट फोन, स्पेशली अगर मैं OnePlus Nord 2T के साथ कंपेयर करूं, इट्स अ बिग अपग्रेड, बट हां प्राइस में भी अपग्रेड आ गया है, बहुत ज्यादा अपग्रेड आया है, इट इज गॉन बियॉन्ड 30,000। अगर ये फोन 30,000 के नीचे होता, याद रखिए ये जो 30-35 या 30-40,000 की रेंज है ना, इतने जबरदस्त फोन्स लॉन्च हुए इन पिछले कुछ दिनों में, देन यू हैव गॉट चॉइसेस एंड OnePlus Nord डेफिनेटली इज अ सीरियस कंटेंडर अमंग ऑल ऑफ देम, बट OnePlus के बहुत सारे फैंस हैं एंड Nord स्पेशली जो होते हैं वो बजट सीरीज में होता है, तो आई थिंक दे शुड हैव केप्ट दैट 30,000 एज द अपर बेंचमार्क, उसके नीचे ही Nord के ब्रांडिंग के फोन्स लाने चाहिए थे, बट हाउ दे हैव गॉन ऑल आउट विद Nord 3 एंड दैट्स व्हाई विद प्राइस आल्सो आई विल से दे हैव गॉन ऑल आउट विद इट। तो यही है दोस्तों Nord 3, अगर आपको कोई सवाल होगा Nord 3 के बारे में तो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछेगा, आई ट्राई माय बेस्ट टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, और भी कुछ होगा डू लेट अस नो, और ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ फायदा हुआ तो शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो दैट इज अ क्राइम, डू इट राइट नाउ। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।